सो गाइज आज की इस वीडियो को जो है स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो आप इस वीडियो को देखो सो गाइज इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि इस एथलीट की जो एज है वो क्या हो सकती है 28, 30 या फिर जो है 30 से ज़्यादा। सो गाइज इस एथलीट का नाम है अहमद शोकरे और इसकी जो एज है वो है 22 ईयर ओल्ड। सो गाइज इसकी जो है फिजिक और सिमेट्री और जो फिजिक में मसल मास है उसे देखकर जो है बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इस एथलीट की जो एज है वो हो सकती है 22 ईयर ओल्ड। सो गाइज इस एथलीट की जो फिजिक है वो ऐसे लगती है कि मानो 30 से जो है ज़्यादा ईयर ओल्ड के जो एथलीट होते हैं एक्सपीरियंस एथलीट उनके जैसे जो है इसकी फिजिक लगती है। सो गाइस इस एथलीट ने जो इस बार के जो है केओस प्रो को जीतकर मिस्टर ओलंपिक की जो क्वालिफिकेशन है उसे हासिल किया। अगर बात करें यहाँ पर जो केओस प्रो में इसकी फिजिक की तो लिटरली अच्छी सिमेट्री के साथ एक जो 22 ईयर ओल्ड के एथलीट की फिजिक है वो दिखाई दे रही थी इनकी, एक जो स्मॉल वेस्ट और वहीं जो ब्रॉडेड शोल्डर के साथ एक जो काफ़ी अच्छी जो वी टेपर वाली जो है फिजिक थी इस एथलीट के पास। ओवरऑल जो बॉडी थी वो काफ़ी अच्छे जो सेपरेशन को हैंडल करती थी और वहीं जो सिमेट्री थी वो भी काफ़ी अच्छी थी इनकी फिजिक की। सो रिसेंटली अगर आप जो है इनकी मिस्टर ओलंपिक से थोड़े दिन के पहले की इस अपडेट को देखोगे तो लिटरली आप एकदम जो है शॉक्ड हो जाओगे। इनकी फिजिक को देखो इतने ज़्यादा ह्यूज हो गए हैं मानो ऐसा लग रहा है कि ये जो है मेंस फिजिक कैटेगरी के बिग रैमी हो, एकदम जो है ह्यूमंगस साइज जो होता है वो ऐड कर लिया इन्होंने जो अपनी फिजिक में। मैंने जब फर्स्ट टाइम इनकी जो फिजिक देखी थी तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये क्लासिक फिजिक या फिर जो 212 कैटेगरी में जो कम्पीट करते हैं, पर लेकिन जो इनकी पोजिंग रूटीन और इनकी जो सिमेट्री को देखकर पता चला कि ये जो है मेंस फिजिक कैटेगरी के जो है एथलीट हैं। सो इनके जो फिजिक मुझे जो है एकदम जो है ह्यूमंगस साइज की लग रही है और एकदम जो है अनरियल टाइप लग रही है। सो इस एथलीट ने जो है 6-7 महीनों या फिर 1 साल के अंदर ही जो है अपनी फिजिक को जो है एकदम जो है चेंज करके रख दिया है। सो गाइज मैंने सोचा कि क्यों ना इन पर जो है एक वीडियो बनाई जाए डेडिकेटेड। सो अगर आप इनके जो साइज को देखोगे तो एकदम जो है अनरियल साइज दिखता है, वहीं जो है एक स्मॉल काफ़ी वेस्ट है इनके पास, ओवरऑल जो बॉडी है वो सबसे ज़्यादा जो है मसल मास में काफ़ी आगे निकल गई है इनकी जो फिजिक के हिसाब से। 22 ईयर ओल्ड की एज पर जो इतने ह्यूमंगस साइज को ऐड करना वो भी जो है 6-7 महीनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो अनरियल बात लगती है। सो अगर आप इनके जो बैक के शॉर्ट्स को देखोगे तो आप ले देंगे इनकी जो बैक है वो काफ़ी एक्ने को शो करती है जो कि यहाँ पर दिखाई देता है, जो कि हमें शो करती है स्टेरॉइड्स का जो इनका सर्कल है वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। सो गाइस मुझे लगता है कि किसी भी एथलीट को जो है सबसे पहले अपनी जो अंदर की फिटनेस होती है उसे देखना चाहिए, ना कि जो है किसी शो के लिए जो अपनी जो है फिजिक को इतने एक्सट्रीम लेवल पर पुश कर देना चाहिए कि उसकी जो अंदर की हेल्थ है वो डैमेज हो जाए। सो गाइस इस एथलीट के जो है फिजिक को देख लग रहा है कि इन्होंने जो अपनी फिजिक को एकदम जो एक्सट्रीम लेवल पर जो है पुश कर दिया है। सो गाइस मुझे लगता है कि ये जो अंदर से भी आई हो बिल्कुल जो है हेल्दी हो, इनकी जो फिजिक है वो बिल्कुल भी जो डिसबैलेंस नहीं हुई हो, क्योंकि आजकल जो है बॉडी बिल्डिंग के एथलीट्स जो हैं वो काफ़ी जो है हार्ट अटैक और भी जो है इश्यूज़ के कारण जो है मर रहे हैं। सो आई होप ये एथलीट जो अंदर से बिल्कुल ठीक हो और इस बार के मिस्टर ओलंपिक में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें। वैसे आपको क्या लगता है इस एथलीट के बारे में मुझे जो है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड इंटरेस्टिंग अपडेट्स एंड वीडियोज़ के लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।